खबर रायबरेली से है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़, मां के नाम वृक्षारोपण अभियान के तहत प्रदेश सरकार के मंत्री व जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला व चिकित्सा सचिव पिंकी जोयल ने रायबरेली में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत। वृक्षारोपण अभियान के तहत आज जिले में 52 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वृक्षारोपण के महाअभियान की शुरुआत आज शहर के महानंदपुर मोहल्ले से, जहां प्रभारी मंत्री चिकित्सा सचिव पिंकी जोयल के साथ जिलाधिकारी हर्षिता माथुर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल सहित सभी ने अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाया और उसको संरक्षित रखने का संकल्प लिया। प्रभारी मंत्री ने कहा, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, भीषण गर्मी से लोगों को गंभीर बीमारियों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है, उससे बचाव का सिर्फ एक ही तरीका है कि सभी लोग पेड़ जरूर लगाएं, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और संरक्षित कर सके। रायबरेली से भारत टीवी के लिए सर्वेश यादव की रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम किया गया, क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं? आज महावृक्षारोपण अभियान था और इसके अंतर्गत सभी लोगों को एक पेड़ माँ के नाम लगाना है। धरती माँ हमारी ताजगी से भरी रहे, धरती माँ में हरितमा बनी रहे और ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए, इसलिए हमें पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। पेड़ लगाने के बाद उसकी सुरक्षा करना भी ज़रूरी है। ये प्रधानमंत्री जी का जो संदेश था, पूरे देश के नाम, मुख्यमंत्री जी का और हम समझते हैं हम सभी का अभियान था। मैम, सबसे बड़ी चुनौती है कि पेड़ लग जाते हैं, फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं, उसके बाद यही इसीलिए तो कहा गया एक वृक्ष माँ के नाम। जो व्यक्ति अपने माँ के नाम से लगा रहा है, मैंने पूछा कि पानी कौन डालेगा। पानी डालने का प्रबंध पहले करना है, लुक आफ्टर पूरी तरह से करना, जैसे हम अपनी माँ की देखभाल करते हैं ऐसे में धरती माँ की देखभाल भी करनी है। तो जो आज तो ये 52 लाख यहाँ पर रायबरेली का है, वैसे तो 36.5 का लक्ष्य है पूरा।